दिल्ली के लोगों को फ्री वाईफाई देना हमारे मैनिफेस्टो का एक अहम प्रॉमिस था, और हमें लगता है कि आज डिजिटल एज में एक तरह से एक मिनिमम इंटरनेट कनेक्टिविटी और मिनिमम डेटा यूसेज किसी भी इंसान की बेसिक ज़रूरतों में से एक हो चुका है। तो जैसे हमने बेसिक लाइफलाइन सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से एक 200 यूनिट बिजली फ्री की है, 20,000 लीटर पानी में मुफ्त किया है, उसी को ध्यान में रखते हुए एक बेसिक इंटरनेट यूसेज भी हम फ्री करने जा रहे हैं। और इस प्रॉमिस के बाद हमारा, इस को लागू करने के बाद हमारा मैनिफेस्टो का आखिरी प्रॉमिस पूरा हो जाता है। मुझे लगता है ये शायद पहली सरकार होगी जिसने अपने सारे वादे 5 साल के अंदर पूरे कर दिए। हमें लगता है कि वाईफाई फ्री करने से, इंटरनेट फ्री करने से स्टूडेंट्स को बहुत मदद मिलेगी, हेल्थ के क्षेत्र में खूब मदद मिलेगी, एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत मदद मिलेगी। आज इंटरनेट का ऐसा ज़माना है कि डेटा और इन्फॉर्मेशन इतनी अवेलेबल है कि हर क्षेत्र में इससे फायदा होगा। तो 11,000 हॉटस्पॉट्स लगाए जा रहे हैं, 4,000 हॉटस्पॉट्स लगाए जाएंगे बस स्टैंड्स के ऊपर, 7,000 हॉटस्पॉट्स लगाए जाएंगे बाकी दिल्ली में मार्केट्स में, RWAs में। जो 7,000 हॉटस्पॉट्स हैं वो 100 हॉटस्पॉट्स इन एवरी असेंबली के बेसिस पे लगाए जाएंगे। इसका वर्क ऑर्डर हो चुका है और पहले 100 हॉटस्पॉट्स लगने तैयार शुरू हो गए हैं। पहले 100 हॉटस्पॉट्स का उद्घाटन 16 दिसंबर को कर दिया जाएगा, वो अभी लगने चालू हो गए और 16 दिसंबर को पहले 100 हॉटस्पॉट्स लग के तैयार हो जाएंगे। इसका खर्चा 100 करोड़ रुपए के करीब है, 100 करोड़ से थोड़ा सा कम है, शायद 98 या 99 करोड़ है। और ये इसका मॉडल जो है वो रेंट मॉडल है, सरकार कंपनी को पर हॉटस्पॉट पर मंथ के हिसाब से चार्जेस देगी। 16 दिसंबर को 100 लग जाएंगे और उसके बाद हर हफ्ते 500 500 ऐड होते जाएंगे। तो 16 को 100 लगेंगे, 23 तारीख को फिर 600 हो जाएंगे, 30 तारीख को 1100 हो जाएंगे। इस तरह से करके 6 महीने के अंदर 11,000 हॉटस्पॉट्स पूरे हो जाएंगे। इन हॉटस्पॉट्स के लगने के बाद दिल्ली में विद इन हाफ अ किलोमीटर आपको एक वाईफाई कनेक्शन मिल जाएगा। अभी शुरू में इतनी डेंसिटी होगी इसकी कि आधे किलोमीटर के अंदर आपको वाईफाई का कनेक्शन मिल जाएगा। हर हॉटस्पॉट की 100 मीटर रेडियस की रेंज होगी। हर व्यक्ति को 15 GB डेटा हर महीने मुफ्त दिया जाएगा, 15 GB, और पर डे 1.5 GB डेटा, टोटल 15 GB बट 1.5 GB पर डे। ऑन एन एवरेज 100 MBPS की स्पीड होगी, कई जगह 200 होगी, वो 200 कह रहे हैं लेकिन मैं फिर भी थोड़ी सी कम लेके चल रहा हूँ। एक्चुअली जो प्लान किया गया है उसमें कई सारे जो हाई डेंसिटी वाले एरियाज हैं वहाँ पे 200 MBPS है, और जो थोड़े काफ़ी ज़्यादा लो डेंसिटी वाले एरियाज हैं वहाँ 80 MBPS है। 10% में स्पीड मैक्सिमम 200 बट 100 to 150 एवरेज स्पीड आपको मिलेगी MBPS। और एक हॉटस्पॉट पे 150 से 200 लोग साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हैं।
सो अगर 200 की एवरेज माने और 11,000 हॉटस्पॉट्स माने तो 22 लाख यूजर्स साइमल्टेनियसली, ये सारे लगने के बाद, हॉटस्पॉट्स लगने के बाद 22 लाख यूजर्स एक साथ साइमल्टेनियसली इसको यूज कर पाएंगे। इसके लिए एक ऐप बनाया गया है, ऐप जारी कर दिया जाएगा। उस ऐप के जरिए आप अपनी केवाईसी की डिटेल्स भर दीजिए, आप भर के भेज दीजिए, आपके पास आपके फोन में ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डाल दीजिए और आपका कनेक्शन चालू हो जाएगा। और आप एक हॉटस्पॉट के जोन से निकल के दूसरे हॉटस्पॉट के जोन में जब तक एंटर करते हैं तो डिसकनेक्ट नहीं होगा, ऑटोमेटिकली वो अगले हॉटस्पॉट में जाके कनेक्शन ले लेगा। ये फर्स्ट फेज है। फर्स्ट फेज में 11,000 हॉटस्पॉट्स लगाए जा रहे हैं। इसकी सफलता और इसके एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे फिर जो जो एरियाज दिल्ली के बच जाएंगे उन एरियाज को फिर फेज 2 में लागू किया जाएगा।